बीएससी। जामिया में जो बीएससी होता है, एक जनरल बीएससी होता है, दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बाद बीएससी बायोसाइंसेस और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात बीएससी का एडमिशन सिर्फ एक वीडियो में। इसके अलावा मैं बताऊंगा इन सारे कोर्सेज में सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, एडमिट कार्ड कब आता है, हॉस्टल कैसे मिलता है, एग्जाम कौन से भाषा में होता है, मीडियम ऑफ एग्जाम फॉर्म कब आता है, कट ऑफ कितना जाता है यानी कितना मार्क्स लाएंगे कि आपका एडमिशन इस साल पक्का हो जाएगा, कौन से बुक पढ़ेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो निकल जाएगा, एग्जाम सेंटर कहां कहां पड़ता है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सिलेबस क्या है एग्जाम का और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के बॉक्स में ये लिखिएगा कि आपका मनपसंद कौन सा कोर्स है, जामिया मिलिया इस्लामिया का, मैं उस कोर्स का भी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं कि फॉर्म कब आता है। दोस्तों हर साल जो फॉर्म आता है वो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आता है, कब, फरवरी से लेकर मार्च के बीच में, यानी फरवरी में फॉर्म आता है और उसका मार्च तक लास्ट में लास्ट डेट होता है, यानी इस साल जो आया था 25 मार्च था लास्ट डेट, लेकिन कोविड 19 की वजह से ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता चला गया और इस साल जो है वो 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन आप अगले साल देख रहे होंगे या जो भी आने वाले साल में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फरवरी में एक्टिव हो जाना पड़ेगा जामिया का फॉर्म भरने के लिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि फॉर्म कब आता है। दोस्तों इसके आगे मैं एक एक करके भी पूरा करूंगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी फीस कितनी है, फीस जाना बहुत जरूरी है। बीएससी जो है जनरल बीएससी है, ये 6 सेमेस्टर का है यानी 3 साल का है, इसमें सीटें हैं 50, फीस है एक साल का 7,800, इतना सस्ता फीस आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। बीएससी बायोसाइंसेज है, यह भी 3 साल का कोर्स है, 40 सीटें हैं और इसमें 7,800 फीस है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है, 35 सीटें हैं, 8,000 फीस है एक साल का। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री 40 सीटें हैं, 7,800 फीस है। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स 3 साल का कोर्स है, 45 सीटें हैं और 7,800 फीस है। बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स 3 साल का कोर्स है, 45 सीटें हैं, 7,800 इसमें फीस है। बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 साल का कोर्स है और 45 सीटें हैं और 7,800 इसमें एक साल का फीस है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है, एक छोटा सा वीडियो है पूरा देखिएगा, आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बीएससी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में एलिजिबिलिटी एक ही है, यानी अगर आपने 12वीं किया है और 50% और इससे ऊपर मार्क्स है, यानी 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी एवरेज आपको 50% से कम नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट मतलब तीनों को जोड़ लीजिएगा, तीनों को जोड़ से 3 के भाग दीजिएगा तो 50% से ऊपर होना चाहिए ओवरऑल भी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी, तो आप एलिजिबल है बीएससी में भी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में। बीएससी बायोसाइंसेज की बात करते हैं, बीएससी बायोसाइंसेज, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है कि 12वीं में 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथमेटिक्स में 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी जिन्होंने 12वीं मैथ से किया है वो सारे बीएससी में एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ मैथ ना देके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है वो सिर्फ इस 2 बीएससी में एलिजिबल होंगे। ये 2 बीएससी एलिजिबल में वो होंगे जो बायो से 12वीं किया है यानी इंटरमीडिएट किया है, और जिन्होंने मैथ से किया है इंटरमीडिएट वो सारे जितने बीएससी है सब में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न्स के बारे में ये है कि सबसे पहले हम लोग बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करते हैं। इसमें 4 सेक्शन है, पहले सेक्शन में मैथ, दूसरे में फिजिक्स, तीसरे में केमिस्ट्री और चौथे में इंग्लिश। 25-25 नंबर का मार्क्स आएगा और टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब मैं आगे कट ऑफ भी बताऊंगा कि 100 में कितना मार्क्स लाएंगे कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा इस साल। निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा, 25% निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4, 4 अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो एक अच्छा वाला आपका कट जाएगा। अब बढ़ते हैं बायोसाइंस की तरफ। बायोसाइंस का जो एग्जाम पैटर्न है ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन का एग्जाम होता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ बायोलॉजी से आते हैं और 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री और मैथ से, यानी टोटल आपका 50% जो सेक्शन है वो बायोलॉजी से है और 50% जो सेक्शन है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है, और 11वीं 12वीं के स्टैंडर्ड के बुक का होता है, बुक भी आगे मैं बताने वाला हूं। तो बायोसाइंसेस के बारे में आपको पता चल गया कि 100 नंबर का एग्जाम होता है। ड्यूरेशन देख लीजिए 105 मतलब 60 मिनट का 1 घंटे होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 45 हो गया, यानी 1 घंटा 45 मिनट का ड्यूरेशन है, यह ध्यान रखिएगा, दोनों 1 घंटा 45 मिनट का है, यानी 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी 105 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे दोनों में, बीएससी आपको मैथ्स में
105 मिनट्स इसमें भी दे रखा है और 105 मिनट्स बायोसाइंस में भी दे रखा है और 100 क्वेश्चन दोनों में। अब बढ़ते हैं बहुत ही जरूरी कट ऑफ की तरफ कि इस साल आपका कितने नंबर लाएंगे 100 में कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बीएससी जनरल की बात करते हैं तो आठवीं लिस्ट तक आई थी, यानी पहली लिस्ट आई थी, दूसरी लिस्ट आई थी, तीसरी आई थी, चौथी आई थी, इस तरह करके आठ लिस्ट तक भी आई थी, यानी सितंबर तक ही आपका रिजल्ट आती रही थी। तो इसका जनरल का जो कट ऑफ गया वो सिर्फ 15, यानी 100 में अगर आपको 15 नंबर आता है तो आपका जनरल कैटेगरी में बीएससी में कंफर्म हो जाएगा। जनरल बीएससी की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आगे बात करते हैं। मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनका 15 नंबर है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 14.75 है, मुस्लिम विमेन का 15.00, जामिया इंटरनल का 11.7। जामिया में देखिए 11th में अगर आपका एडमिशन हो जाता है या 9th क्लास में 6th क्लास में तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। इंटरनल कैटेगरी के देखिए कट ऑफ कम है। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देने वाली बात है कि एवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो आपको अगर आप 16 नंबर का टारगेट रखते हैं, 16 नंबर का, या इसको छोड़ के आप 20 नंबर का भी टारगेट रखते हैं, कितने में 100 नंबर में अगर आप 80 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं और 20 अटेम्प्ट करते हैं और 20 में अगर 16 सही हो जाता है तो आपका बीएससी में एडमिशन हो जाएगा। यानी 100/20/100 का टारगेट रखना है कि 100 में 20 कैसे आ जाए, बीएससी में आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का। बायोसाइंस का देखेंगे जनरल का जो कैटेगरीज का जो कट ऑफ गया है वो 33.75 गया है, मुस्लिम का 32.5, मुस्लिम ओबीसी एसटी के 31.5 और मुस्लिम वुमेन का 32.00 और जामिया इंटरनल का 30.25। मतलब कहने का मतलब है इसमें 34/100, 100 में अगर 34 लाएंगे तब आपका बीएससी बायोसाइंसेज में होगा, यानी जामिया का बायोसाइंसेज अच्छा है इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा जामिया का, इसमें देखिए 39.25 जनरल कैटेगरीज का गया है कट ऑफ, मुस्लिम का गया है 37.75, मुस्लिम लड़कियों का गया है 35.75, जामिया इंटरनल का 30.25, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट है उनका 16.00। तो इसमें आप मान सकते हैं आपको 40/100 लाएंगे जनरल कैटेगरीज का तब आपके बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन होगा। अब आगे बात करते हैं आगे कोर्सेज के, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे कट ऑफ थोड़ा कम गया है, केमिस्ट्री में 29.75 और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में भी 29.75, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग सेम है। तो कहने का मतलब है कि 29 ना करके आप 30/100 का टारगेट रखेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये भी 30/100 लाएंगे तो आपका बीएससी केमिस्ट्री और बीएससी फिजिक्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे मैथ की तरफ। मैथ में देखेंगे यहां मैथ में दो पार्ट है, एक अप्लाइड मैथ्स है और एक जनरल मैथ्स है। तो जनरल मैथ्स का जो जनरल कैटेगरीज गया है 27 गया है और अप्लाइड मैथमेटिक्स का कम गया है 24। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए 24/100 और जो सिंपल प्लेन मैथमेटिक्स है इसमें 27/100 तब आपका एडमिशन होगा आपका किसमें, बीएससी में। ये कट ऑफ आपको पता चल गया। आप कौन सा बुक पढ़े आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछते हैं। तो जो बायोसाइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, बायोसाइंस के जो स्टूडेंट है उनमें 50% जो वेटेज है बायो का है, कितना है 50% जो वेटेज है, 50% वेटेज है बायो का। तो नीट का जो पेपर आता है सॉल्व पेपर, पूरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक रहेगा तो आपके जो लाइफ होता है आसान हो जाता है, कम टाइम में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, किससे, इन पेपर से। इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बुक को खोजने की जरूरत नहीं है। अमेजन डिलीवरी भी शुरू कर दिया है तो आपको लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको अमेजन पे चले जाना है, अमेजन पे ऑर्डर कर देंगे 7 दिन के अंदर आ जाएगा, तैयारी करेंगे 15 नंबर पे भी आपका बीएससी में एडमिशन हो सकता है। तो ये तीन बुक आपका रामबाण एक तरह का लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। तो इसमें नीट का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें आपका कम, मतलब मान लीजिए कि इसका आएगा आपको 20% का क्वेश्चन फिजिक्स से और 20% क्वेश्चन ये, 10% जो क्वेश्चन आएगा वो मैथ से। अगर मैथ आप छोड़ भी देते हैं तब भी आपका बीएससी बायोसाइंस और बीएससी टेक्नोलॉजी में हो जाएगा, बायोटेक में। तो आपको बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देने हैं, ठीक है, तभी आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा 50 से ऊपर नहीं गया है। तो अगर बायोलॉजी भी अगर आप टच करते हैं ज्यादा और कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ गया है आपने देखा है कि 34 और 40 के आसपास ही रहे हैं, किसी का 34 है किसी का 40 है, तो बायोटेक का 40 था और बीएससी बायोसाइंस का 34 था, तो 34-40 ही था, आपको 50 नंबर भी अगर आप तैयारी करते हैं तो 34 या 40 आ जाएगा, बीएससी बायोसाइंस में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी जनरल और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। जेई मेन का जो एग्जाम पैटर्न है सेम वही है, तो आपको फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री ये वाले बुक ले लेने हैं, अरिहंत का है, बहुत यूजफुल वीडियो है, सॉल्यूशन के साथ है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और जब इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का बुक जो है बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में और अमेजन पे मोस्ट रेटेड बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी साहब का, ये भी अरिहंत का है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अरिहंत का है। सारे बुक का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको बुक को खोजने की जरूरत नहीं होगी, वहां पे क्लिक करके अमेजन पे चले जाइएगा, वहां पे जाकर पेमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी डाउट्स थे क्लियर हो गए, फिर भी
एक दो रह गए मैं उसका भी बता दे रहा हूं। जो सजेस्टेड बुक मैंने बता दिया, कटअप बता दिया, फॉर्म फरवरी से मार्च के बीच में निकलता है, ये आप लोग एक्टिव रहिएगा। एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में ही पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग है, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, आपका इंग्लिश में ही एग्जाम होता है, जामिया में हिंदी में एग्जाम नहीं होता है। हॉस्टल अगर आपका घर दूर है और आपका 12वीं में अच्छा मार्क्स है तो हॉस्टल मिलने का ज्यादा चांस है, नहीं तो बॉयज के लिए हॉस्टल कम है लेकिन लड़कियों का गारंटी हॉस्टल मिलता है। एडमिट कार्ड जब आता है, जब आपका एग्जाम मान लीजिए कि 10 तारीख को है तो 1 तारीख को आ जाएगा, यानी 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आपका एग्जाम सेंटर तो दिल्ली में ही रहने वाले हैं और ज्यादातर जामिया कैंपस में ही रहने वाले हैं, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली में आके एग्जाम देने होंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए आई बटन पर लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आप वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी बता दिया, फीस बता दिया, सारे आपके क्वेश्चंस मैंने दुविधा दूर कर दिए थे। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस चैनल के सपोर्ट की जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, एक पुण्य और नेकी का काम कीजिएगा, अच्छाइयां को फैलाइएगा कि बुराइयां ऑटोमेटिक कम हो जाए। और कमेंट करके बताइएगा आपका मनपसंद कोर्स कौन सा है, मनपसंद यूनिवर्सिटी कौन सा है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे बीएचयू हो, चाहे आईपीयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, सबका मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।